गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपनात्मा हमारे समझ में नहीं आती क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका जो कितना सुंदर है और इस पांच तत्वों से बना, ये पांच तत्व कौन कौन से है, मिट्टी जल वायु अग्नि और आकाश, इसमें कितना दिखाई दे आपको, नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया, माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, पांच तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम अकायम है सनाविरम, ऐसा ही भगवान का है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई, वो काया नहीं है वहाँ की, उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है शुक्रम अकायम। ऐसा ना विरम, उसमें नाड़ी नूडी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो, तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते, जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएँ पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था हटा के एक इस काल में लगा ली थी तो हम इसके साथ आ गए, तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कि रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया, क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते भूल कर, सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोक है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को अपने मित्र को रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा, हम बताओ, इतनी बुद्धि फिट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये नौ ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़ेगी अभी हटने जा, पत्थर धक्के खाता, हमने के ठेका ले रखा यहाँ धर्म ने और मरने का ब्रह्म में टी करवाने का, जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ना मारी, तो इस गड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखी इस बुद्धि को ज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उखड़ने लगती है, इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि महर्षियों ने,
बट्ठा बठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। या कोई प्राणी सुखी नहीं है, सुखी है तो बता दो मुझे आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराजा राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एयर क्रिस में और ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते, फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। अब काल को पता था, इस समय में कलयुग में जो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पर भगवान पर विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकली पन चलवा दिए, ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया, इनको कह कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और सतपाल का पन धनसा देश जिसने कही, ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ, अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है, तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो और मैं सच्चाई बताऊँ तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूँ उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे, तो ना हो जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है, फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।